हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जी हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आप लोग की निकल के आ रही है। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोगों के लिए कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है आप लोग की वो 48 पोस्ट है जिसके लिए कि ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई जो होंगे इसके आप लोग के 5 मई 2020 से होंगे और जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 25 मई 2020। और इसके अंतर्गत जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आप लोग का रिटर्न एग्जाम या फिर रिटर्न एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट, या फिर जो पोस्ट है उसमें रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू। जी हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, सभी पोस्टों के लिए अलग अलग प्रोसेस है। इसके अंतर्गत आप लोगों के हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी लोगों के लिए अलग अलग इसमें वैकेंसी है। तो इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आप लोग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आने के बाद आप लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन रेगुलर बेस। जी हाँ, ये कोई टेम्पोररी बेस कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी नहीं है, रेगुलर बेस आप लोग की वैकेंसी है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ये आप लोग का यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे ये पेज आप लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसमें कि हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग में इन्होंने अभी डाला हुआ, इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन इन लोगों ने अभी तक नहीं डाला है। ये इन लोगों का कहना है जैसे ही 5 मई से इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है इनका नोटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें कुछ वैकेंसी साइंटिस्ट बी के लिए निकली हुई, ठीक है, साइंटिस्ट के लिए निकली हुई है। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है वो पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं होगी। इसके अंतर्गत आप लोग की एज जो 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है, ये ग्रेजुएट से कम नहीं होगी, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है और ग्रेड 2 की वैकेंसी है जिसमें कि आप लोग की एज मांगेगी 18 से 25 साल। और गवर्नमेंट की जॉब है तो यहाँ पे आप लोग SC ST OBC सभी को यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें भी आप लोग की 18 से 25 साल जो पोस्ट एज मांगी गई है और इसमें भी आप लोग को रिलीफ मिलेगा यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो। इसके अलावा जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की कुछ वैकेंसियां हैं, 7 वैकेंसी है जिसमें कि आप लोग की एज है 18 से 25 साल। और इसके बाद कुछ वैकेंसी आप लोग की निकली हुई लोअर डिवीजन क्लर्क की, जी हाँ, LDC की वैकेंसी 13 वैकेंसी निकली हुई जिसमें कि आप लोग की एज मांगेगी 18 से 25 साल। इसमें भी आप लोग को रिलीफ मिलेगा यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए पोस्ट है, टोटल 13 पोस्ट यहाँ पे आप लोग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें आप लोग की एज जो रहेगी वो इंटर से मैक्सिमम नहीं होने वाली है। और इसके अलावा जो अटेंडेंट MTS की जो पोस्ट है इसमें आप लोग की 3 वैकेंसी है 18 से 25 साल, इसमें भी एज रखी गई है। SC ST OBC को यहाँ पे भी आप लोग को रिलीफ मिलने वाला है। और जो इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन जो मांगी जाएगी इसमें हाई स्कूल से मैक्सिमम नहीं होने की है, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दिया, इनका ये कहना है कि जैसे ही 5 मई से इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग को दे दिया जाएगा। तो यदि आप लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को डिटेल नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन प्लस ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी आप लोग को बना के दे दूंगा, क्योंकि इसमें आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। और इस नोटिस का डिटेल, इसका लिंक भी आप लोग को दे दूंगा ताकि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लें, डिटेल में पढ़ लें। और इसके बाद यदि आप लोग को वीडियो बनाना हो ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए जो है इसका वीडियो बना दूंगा। इसमें जो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे वो 5 मई से होंगे, लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 25 मई 2020 रहने वाली है। जी हाँ, 25 मई 2020 रहने वाली है। और जो ये नोटिस अभी जारी किया गया है डेट 30/4/2020 को, जी हाँ 30/4/2020 को इसे जारी किया गया। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया इसमें कुछ पोस्टों पे रिटर्न एग्जाम होगा, कुछ पोस्टों पे रिटर्न और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कि उसमें आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। और कुछ पोस्टों के लिए आप लोग का यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा जैसे कि आप लोग की साइंटिफिक की पोस्ट है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, एक बार पढ़िए और ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो मुझे बताइएगा बहुत। और अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, बट जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस में आप लोग की लाता रहूं और कोई भी वैकेंसी जो है आप लोगों से छूटे ना। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार और कहूंगा कि आप लोग इसको जरूर देखिए एक बार, और यदि ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो मुझे बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि जैसे ही 5 मई की डेट आई मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बना सकूं। ओके फ्रेंड बाय, थैंक यू, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। ओके बाय।